हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एज यू हैव विद पिंकी। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न द चैप्टर सेविंग डोरी। इन दिस चैप्टर वी विल रीड एन आर्टिकल अबाउट मैरिन कंजर्वेशन। डू यू लाइक वॉचिंग फिल्म्स अबाउट एनिमल्स? क्या आप एनिमल्स की फिल्में देखना पसंद करते हो? रीड एन आर्टिकल ऑन हाउ फिल्म्स अबाउट एनिमल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड नेचर। इस आर्टिकल के द्वारा क्या बताया है, ये फिल्म क्यों बनाई जाती हैं? फिल्म इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि जो पीपल हैं इस फिल्म को देखकर अवेयर हो सकें किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और नेचर के बारे में। डू द नेम्स नेमो, डोरी, ब्रूस एंड क्रश रिंग अ बेल? दे आर ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम द 2016 एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग डोरी, द सीक्वल टू द 2003 फिल्म फाइंडिंग नेमो। सीक्वल क्या होता है बच्चों? अ बुक और फिल्म दैट कंटिन्यूस द स्टोरी ऑफ अ प्रीवियस बुक और फिल्म। जो ये फाइंडिंग नेमो है, जो ये फिल्म बनी थी 2003 में, और 2016 में कौन सी फिल्म बनी थी? फाइंडिंग डोरी। तो ये दोनों इसी के ऊपर हैं और ये सारे कैरेक्टर जैसे नेमो, डोरी, ब्रूस, क्रश, ये सब फाइंडिंग डोरी के कैरेक्टर हैं। फाइंडिंग नेमो फॉलोज द जर्नी ऑफ मर्लिन, अ क्राउन फिश एंड डोरी, अ रिगल ब्लू टैंग, ऑल द वे टू सिडनी हार्बर टू रेस्क्यू मर्लिन सन नेमो, हु वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज कोरल रीफ होम टू लिव आउट इज नंबर डेज इन द केयर ऑफ अ डेंटिस्ट नीस। यस, ये फाइंडिंग नेमो ये जर्नी है ऑफ मर्लिन की। इसमें क्लाउन फिश और डोरी, अ रीगल ब्लू टैंग, रीगल मीन्स रॉयल, जो एक रॉयल ब्लू टैंग है, ऑल द वे टू सिडनी, इनका सिडनी का जो वे है, हार्बर टू रेस्क्यू, जिसमें कि मर्लिन का जो सन है नेमो, वो किस तरह से कोरल रीफ, मतलब उसके घर से किस तरह से वो चुरा लिया गया था और कितने दिनों तक इसको डेंटिस्ट की नीस के घर पर रहना पड़ा था। फाइंडिंग डोरी सो द फॉरगेटफुल ब्लू टैंग सेट आउट ऑन एन एपिक एडवेंचर अक्रॉस ओशन टू फाइंड हर पेरेंट्स। जो फाइंडिंग डोरी ये फिल्म है, इसमें बताया गया है ये एक एपिक एडवेंचर है। एपिक मीन्स ग्रैंड एडवेंचर, बहुत बड़ी एडवेंचर है ये, जिसमें बताया कि ये फाइंडिंग डोरी मतलब किस तरह से जो इसके पेरेंट्स ये कैसे मिलता है और किस तरह से जो इसके पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है। दे आर बोथ टचिंग फनी एंड इंस्पायरिंग टेल्स दैट टीचर्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द ओशियन, इट्स कोरल रीफ एंड सम ऑफ देयर मोस्ट अट्रैक्टिव इनहेबिटेंट्स। और ये जो स्टोरी है ये कैसी है, टचिंग है, फनी है, इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग मीन्स इंकरेजिंग और मोटिवेटिंग, जो हमें मोटिवेट करती है और जो हमें बताती है ओशन की ब्यूटी के बारे में और कोरल रीफ के बारे में। पीपल फेल इन लव विद द क्लाउन फिश एंड द ब्लू रेगल टैंग। जब लोगों ने ये मूवी देखी तो जो सब लोग थे क्लाउन फिश और ब्लू रेगल टैंग को मतलब सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था जब लोगों ने ये मूवी देखी। दाउ द मैसेज ऑफ द फिल्म आर सेंटर ऑन कंजर्वेशन एंड द ट्रेजडी ऑफ टेकिंग विल्ड कोरल फिश स्पीसीज फ्रॉम देयर होम्स एंड प्लेसिंग देम इन ग्लास प्रिजन्स, फाइंडिंग नेमो हैड अ सैड एंड आयरनिक इफेक्ट टू। इस फिल्म के द्वारा पोएट है ये मैसेज देना चाहता था कि आर ओन कंजर्वेशन एंड द ट्रेजडी ऑफ टेकिंग, वो कंजर्वेशन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, फाइंडिंग नेमो का उसका आयरनिक इफेक्ट पड़ा। आयरनिक मीन्स हैपनिंग इन अ वे दैट इज ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इसका ऑपोजिट इफेक्ट पड़ा, लोगों को ये दोनों फिश बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लोगों ने क्या किया, इन फिश को खरीदना शुरू कर दिया, अपने घर में लेकर आना शुरू कर दिया और किस में रखना शुरू कर दिया, ग्लास प्रिजन्स में।
The clownfish became instantly in demand pets, causing many more nemos to be taken from their coral reef ecosystem. और जो ये क्लाउन फिश थे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सब लोगों को ये पसंद आने लग गई. कॉजिंग मैनी मोरल नेमोज, और जो ये नेमोज फिश हैं इनको कोरल रीफ से निकाला गया. नेशनल ज्योग्राफिक हैज सेड दैट द डिमांड फॉर क्लाउन फिश एज एक्वेरियम पेट्स मोर देन ट्रिपल्ड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फिल्म. और जो इस फिल्म का रिज़ल्ट बिल्कुल ऑपोजिट निकला, जो नेशनल ज्योग्राफिक हैं उन्होंने कहा कि जो ये क्लाउन फिश है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब एक्वेरियम में इन पेट्स को रखने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, क्योंकि सब लोग इसको अपने घर में रखना चाहते थे. अ कंजर्वेशन फंड एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट क्लाउन फिश सेविंग नेमो डॉट ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड दैट मोर देन 1 million क्लाउन फिश आर नाउ टेकन फ्रॉम कोरल रीफ सिस्टम ईच ईयर टू गो टू एक्वेरियम विद 400,000 ऑफ दीज फिश बींग सेंट टू द USA. जो एक कंजर्वेशन फंड था उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की सेविंग नेमो के नाम से, प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउन फिश को, क्लाउन फिश की रक्षा करने के लिए. हैज स्टेट दैट मोर देन 1 million, और सभी स्टेट में जो क्लाउन फिश थी मतलब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इनको कोरल रीफ से मिलियन के रूप में मतलब मिलियन क्लाउन फिश रीफ सिस्टम से निकाली गई. और ये कितनी अराउंड ऑफ 400,000 फिश निकाली गई एक्वेरियम में रखने के लिए, और उसको कहाँ भेजा गया, USA में भेजा गया. दिस इज़ कॉजिंग द फिश टू गो कम्प्लीटली एक्सटेंट इन सर्टेन एरियाज इन साउथ ईस्ट एशिया. और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि कुछ एरिया में जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर जो ये फिश हैं ये कम्प्लीटली एक्सटेंट हो गई, इनका बिल्कुल अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया. क्लाउन फिश ऑल्सो नोन एज एनीमोन फिश आर फाउंड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन. जो क्लाउन फिश होती हैं ये एनीमोन फिश के नाम से भी जानी जाती हैं, जो इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं. दे आर यूजली फाउंड लिविंग एमिडिस्ट शेल्टर्ड रीफ्स. और ये कहाँ रहना पसंद करती हैं, अपने रीफ्स में, क्योंकि सबको अपने घर में रहना पसंद होता है, तो ऐसे ही इनको भी अपने घर में रहना पसंद है. हेयर दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सी एनिमल्स अ मैरिन प्रेडेटरी एनिमल विच लुक लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर. सिम्बायोटिक मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म पीपल और थिंग दैट एग्जिस्ट टूगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर दैट बेनिफिट दैम ऑल. और यहाँ पर जो ये दोनों फिश हैं, एक तो एनिमल्स और मैरिन, ये एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं. क्यों डिपेंड होती हैं, प्रेडेटरी के लिए. प्रेडेटरी मीन्स एनिमल दैट लिव बाय किलिंग अदर एनिमल फॉर फूड. जो एनिमल दूसरे एनिमल को मारता है अपने फूड के लिए. और वो देखने में कैसे लगती हैं, लुक लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर. दे प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स. और ये एक दूसरे को अपने प्रेडेटर्स से बचाती हैं और जो अपना न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सचेंज करती हैं. द क्लाउन फिश इवन क्लीन्स द एनिमोन. और ये क्लाउन फिश यहाँ तक कि एनिमोन्स को भी क्लीन करने में उसकी हेल्प करती है. इन रिटर्न द एनिमोन कीप्स इट हार्पून लाइक स्ट्रेंजर यूज टू कैप्चर प्रे एंड स्केयर प्रेडेटर्स एट बे फ्रॉम द क्लाउन फिश. और बदले में क्या करती हैं एनिमोन्स जो इनके हारपून्स होते हैं, हारपून्स मीन्स लाइक द लॉन्ग शार्प स्पीयर. ये तो देखो बच्चों, जो येलो फ्लावर बना हुआ है और इसमें बीच में सर्कल है रेड कलर का, और देखो इसमें से स्पीयर निकले हुए हैं फ्लावर के चारों ओर, देखिए. तो ये इसके हारपून्स हैं, और ये हारपून्स कैसे हेल्प करते हैं, किसी भी प्रे को कैप्चर करने में, किसी भी अपने शिकार को ये पकड़ने में ये हेल्प करते हैं. इन एन अमेजिंग फीट ऑफ नेचर दीज फिश डेवलप इनटू मेल्स फर्स्ट एंड बिकम फीमेल्स एज मैच्योर फिश इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. और जो हमारी नेचर है उसकी एक और अचीवमेंट है, अमेजिंग अचीवमेंट है, कि जो ये फिश होती हैं ये सबसे पहले मेल के रूप में डेवलप होती हैं,
एंड बिकेम फीमेल एज मैच्योर, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये फीमेल फिश में रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। दे ले देयर एग्स ऑन फ्लैट सरफेस नियर देयर एनिमोन्स होस्ट, और ये जो जो इनके एग होते हैं ये कहाँ पर देती हैं, जहाँ पर फ्लैट सरफेस होती है और जो इनके आसपास एनिमोन होस्ट होते हैं। द रीगल ब्लू टैंग इज फाउंड इन द वॉटर ऑफ ईस्ट अफ्रीका टू द सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड ऑफ किरीबती एज वेल एज अराउंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, और जो ये रीगल ब्लू टैंग है ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका के बीच में जो सेंटर में है पैसिफिक आइलैंड ऑफ किरीबती में, वहाँ पर पाई जाती हैं, और एज वेल एज जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं। दे टू लाइक टू लिव इन द कोरल रीफ दैट ग्रो अलोंग द सीशोर, और ये अपने कोरल रीफ में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं जो सीशोर के पास होता है, समुद्र के पास, समुद्री किनारों पे होता है। When they see a predator, they often play dead by lying on their side and staying motionless till the capture passes them by. और जब ये अपने predators को देखती हैं, मतलब जो इनका शिकार करने के लिए आता है, तो ये गेम खेलती हैं। कैसा गेम खेलती हैं, ये बिल्कुल motionless हो जाती हैं। तो जब ये motionless हो जाती हैं तो ये कैसे देखने में कैसी लगती हैं कि ये बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, और जो इनके पास जो creatures आते हैं इनका शिकार करने के लिए आते हैं, तो उनके पास वो ये सोचते हैं कि ये तो मर चुकी है, तो इसलिए वो इनके पास से होकर गुजर जाते हैं। द ब्लू टैंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द कोरल रीफ एज द ईट द एक्सिस एल्गाए इन द रीफ दस प्रिवेंटिंग द एल्गाए टू सफोकेट द रीफ। जो ये ब्लू टैंग होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है टू द लाइफ साइकिल ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ की लाइफ साइकिल के लिए, एज द ईट द एग्ज़, क्योंकि ये क्या खाती हैं, एल्गाए इन द रीफ अपने घर में, दस प्रिवेंटिंग द एल्गाए, और ये एल्गाए को बचाने के लिए टू सफोकेट द रीफ, रीफ को सफोकेट करती हैं। दे यूज़ देयर स्मॉल शार्प टीथ टू कीप देयर कोरल प्रोटेक्ट क्लीन, और ये अपने शार्प टीथ का यूज़ भी करती हैं कोरल प्रोटेक्टर को क्लीन करने के लिए। इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग डोरी शोज डोरी पेरेंट्स एज काइंड एंड नर्चरिंग, अब इसमें बताया गया है कि जो फाइंडिंग डोरी के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हैं, नर्चरिंग हैं। नर्चरिंग मीन्स बेटा जो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। इन रियल लाइफ हाउ एवर द पेरेंट्स डोंट केयर फॉर देयर यंग, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं जब उनके बच्चे यंग होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो उनकी केयर करने कम कर देते हैं। बेबी ब्लू टैंग आर कैरिड अवे बाय ओशियन करंट सून आफ्टर दे हैच एंड आर ऑन देयर ओन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और जो बेबी ब्लू टैंग होते हैं वो क्या करते हैं, कैरिड हो जाते हैं ओशन में, चले जाते हैं करंट सून आफ्टर दे हैच, और ये अपने बच्चों को वहीं पर हैच करते हैं, वहीं पर सेकते हैं, और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। On the other hand, clownfish dad do watch over their egg and fan them, which keep the anemones clean and take care of the eggs. और दूसरी साइड क्या होता है, जो clownfish होती हैं, जो उनके eggs होते हैं, वो अपने eggs का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, watch keep the anemones clean, और anemones को clean करने भी उनकी clean करने में भी help करती हैं, and take care of the eggs, और जो ये egg होते हैं इनकी देखभाल भी करती हैं। Moving to the next page, these fish species are not the first glamour pets to rise to popularity due to Hollywood films and to suffer because of it. जो fish हैं, fish की जो varieties हैं, ये केवल पहले ही animal ऐसा नहीं है जो अपनी popularity के कारण Hollywood film में, जब इनकी popularity बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इनको popularity से ही इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। क्यों, डू यू रिमेंबर द स्नोई आउल हैज़विक इन द हैरी पॉटर फिल्म्स, अब आपने हैरी पॉटर फिल्म तो सबने देखी होगी, उसमें स्नोई आउल था। द बॉय विज़र्ड लव फॉर हिज पैट इन द फिल्म्स इज पार्क्ड इन एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर आउल्स एज पैट इन मैनी कंट्रीज, और जो उसमें एक बॉयज़ है हैरी पॉटर में, जो एक बॉयज़ है जो अपने पास विज़ार्ड लेकर रखता है, यानी स्नोई आउल लेकर रखता है, तो सबने क्या किया,
बहुत सारी कंट्रीज थी, सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई इस आउल को लाने के लिए। सब इस आउल को अपने घर में रखना चाहते थे, सब लोगों ने इस आउल को बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट मैनी ऑफ द बर्ड्स एंडेड अप इन एनिमल शेल्टर सून आफ्टर द सीरीज एंडेड। लेकिन जो बहुत सारे बर्ड हैं जो इन एनिमल्स का जब इनसे घर छूट जाता है तो क्या होता है, इनका एंड हो जाता है, मीन्स इनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। जब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये अपना घर छोड़ देते हैं, लोग इनको अपना घरों में रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों को इनकी देखभाल करनी नहीं आती है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट हो जाते हैं। मोर ओवर आउल्स आर इलीगल टू आउन ऑन विदाउट सुटेबल क्वालिफिकेशन इन मैनी कंट्रीज़। और बहुत सारी कंट्रीज़ में बिना इनकी क्वालिफिकेशन के आउल को रखना इलीगल माना जाता है। द पॉपुलरिटी ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स अ सीरीज ऑफ कॉमिक बुक बेस्ड फिल्म अबाउट अ ग्रुप ऑफ पिज्जा लविंग स्टंट परफॉर्मिंग टर्टल्स सा ह्यूज इंक्रीज इन टर्टल एज पेट। और एक मूवी आई थी टीनेज म्यूटेंट निंजा के नाम से, जिसमें एक टर्टल था, उसकी पॉपुलरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको भी सब लोग अपने घर में रखना चाहते थे। वो पिज़्ज़ा लविंग था, स्टंट करता था, तो उसको भी लोग अपने पेट्स के रूप में अपने घर में रखना चाहते थे। बट मैनी ऑफ देम वर अबैंडन्ड एंड इवन फ्लश्ड अवे व्हेन देयर ओनर्स गॉट बोर्ड। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब वो उससे बोर हो गए तो बहुत सारे लोगों ने इसको फ्लश कर दिया। अबैंडन्ड मीन्स गिव अप और फॉरसेकन, छोड़ दिया इनको। हाउ डू फिल्म्स दैट सेलिब्रेट अ लव ऑफ ओशियन क्रिएचर एंड कन्वे अ स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन मैसेज लीव अस विद अ क्राइसिस ऑफ दिस नेचर, क्राइसिस अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और ट्रबल। इन फिल्मों के माध्यम से ये एक पोएट मैसेज देना चाहता था कि हमें जो हमारे ओशन के क्रिएचर्स हैं उनको किस तरह से लव करना चाहिए, और जो कंजर्वेशन है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। वी ओनली हैव आर ग्रीड टू ओन ब्यूटिफुल पोजिशंस टू ब्लेम फॉर इट। और इन सब चीज़ों का कारण क्या है? हमारा लालच। हम सब क्या चाहते हैं कि जितनी भी ब्यूटिफुल थिंग्स हैं, जितनी भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वो सब हमारे पास होनी चाहिए, है ना? हम लोग ये सोचते हैं ना। इफ़ वी लव एंड एडमायर दीज फिश एंड अदर मैरीन क्रिएचर वी शुड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंडीशन। अगर हम इनको लव करते हैं, हमें इन्हें रखना पसंद है, फिश को या अदर मैरीन क्रिएचर्स को, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें इनके प्रति अवेयर होना चाहिए, इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए, इनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। द मैसेज ऑफ द फिल्म एंड नाउ द साइंस इज क्लियर, जस्ट लेट देम कीप स्विमिंग इन द ओशन। और इस फिल्म का क्या मैसेज है, यहाँ तक कि साइंस का भी मैसेज है, साइंस ने भी क्लियर कहा है, जस्ट लेट देम कीप, कि इनको छोड़ देना चाहिए, कहाँ पर? ओशन में, इनको इनके घर पर ही छोड़ देना चाहिए। तो इस बात की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, सबको अवेयर होना चाहिए। बट मैरीन फिश हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कैन बी केयरलेस एंड क्रूल। लेकिन जो मैरीन फिश की हार्वेस्टिंग टेक्निक होती है, टेक्निक मीन्स मेथड ऑफ डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़, बहुत ही केयरलेस होता है, बहुत ज़्यादा क्रूल होता है। मैनी ऑफ दीज ब्राइट ब्लू एंड येलो कलर्ड फिश डाई बिफोर दे मेक इट टू समवन्स लिविंग रूम। और इसमें से बहुत सारी जो फिश हैं, ब्लू और येलो कलर की फिश जो होती हैं, वो घर में लाने से पहले ही डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं। ऑफ्टन साइनाइड पॉइजनिंग इज़ यूज्ड ऑन रीफ टू हार्वेस्ट द फिश। साइनाइड एक्ट एज एन एनेस्थेटिक दैट अलाउज फिश टू बी कलेक्टेड फास्टर एंड मोर इजीली। क्या होता है कि जो साइनाइड पॉइजन होता है, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, ये जो किस टेक्निक से करते हैं कि इनको बेहोश कर देते हैं, एनेस्थेटिक कर देते हैं, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी साइनाइड पॉइजन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही जब ये ओशन से इनको निकालते हैं तो ये इनको बिल्कुल सचेत कर देते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी से इनको इकोसिस्टम से निकाल पाएँ और इन्हें कलेक्ट कर पाएँ।
Another impact of Finding Nemo was that some aquarium owners who kept clownfish saw the film and felt so bad that they released their pets into the wild. और दूसरा फाइंडिंग नेमो का ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो कुछ एक्वेरियम ओनर्स थे, एक्वेरियम के मालिक थे, तब उन्होंने देखा कि क्लाउन फिश की मूवी को देखा और उन्हें यह देखकर बहुत ही बैड फील हुआ कि किस तरह से लोग पहले इन्हें पेट की तरह पालते हैं फिर इनको रिलीज़ कर देते हैं. मैनी पीपल ऑल्सो बोर्ड द क्लाउन फिश विदाउट नोइंग हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. और बहुत सारे पीपल बिना क्लाउन फिश के मतलब ख़रीद कर लाते हैं बिना नॉलेज के कि किस तरह से इनकी देखभाल करनी है, उनको नहीं आता है. Perhaps led on by a line in the film, many children are said to have flushed their clownfish down the toilet in the hope of setting them free. और कुछ बच्चों ने क्या किया, जब ये फिल्म देखी तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जो ये clownfish थी इनको टॉयलेट में ही फ्लश कर दिया, इनको फ्री कर दिया. Often the clownfish could not survive in the new oceanic ecosystem that they were not used to. और क्या हुआ इसका रिजल्ट, बहुत सारी क्लाउन फिश थी, ये सब चीज़ नए ओशनिक इकोसिस्टम को सर्वाइव नहीं कर पाई, नहीं झेल पाए. दे ऑल्सो समटाइम्स हार्म द लोकल फिश देयर एज इंट्रोड्यूस पेस्ट. और कभी कभी जो ये लोकल फिश हैं तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं. व्हेन फाइंडिंग डोरी वॉज रिलीज्ड इन 2016, मैरीन साइंटिस्ट हैड अ क्लियर मैसेज, डोंट लेट इट हैपन टू डोरी. जब फाइंडिंग डोरी रिलीज़ हुई 2016 में, तो जो ये मैरीन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि जैसे नेमो के साथ हुआ ऐसे डोरी के साथ नहीं होना चाहिए. द रीगल ब्लू टैंक विच अनलाइक द क्लाउन फिश कैन नॉट बी ब्रेड इन कैप्टिविटी कुड सफर द सेम फेट. ब्रेड मीन्स animals kept for producing offspring in a controlled manner, and captivity means imprisoned in a state of confinement. Yes, कि जैसे नेमो के साथ हुआ है ऐसा डोरी को भी सफ़र ना करना पड़े, मतलब इनका भी फ्यूचर ऐसा ना हो जैसा नेमो का हुआ. Around 300,000 blue tanks are bought and sold across the world. और पूरे वर्ल्ड में 300,000 जो ब्लू टैंक्स हैं वो बाय की जाती हैं और सोल्ड की जाती हैं. बट रीगल ब्लू टैंक डू नॉट डू वेल इन एक्वेरियम्स. लेकिन जो रीगल ब्लू टैंक्स होती हैं वो एक्वेरियम में भी अच्छे से नहीं रह पाती हैं. दे आर फ्रेगाइल एंड रिक्वायर स्पेशलाइज्ड केयर एंड इन द रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस डाई इन लार्ज नंबर्स. फ्रेगाइल मीन्स डेलिकेट. जो ये ब्लू टैंक फिश होती हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं और इनको स्पेशल केयर की नीड होती है. एंड इन रोंग सर्कमस्टेंसेज, अगर इनको रोंग सर्कमस्टेंसेज मिलती हैं तो क्या होता है इनके साथ, डाई इन लार्ज नंबर्स. तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में, बहुत ज़्यादा संख्या में मर जाती हैं. तो यहाँ पर जो ये क्रिएचर्स के ऊपर मूवी बनाई जाती हैं तो इनका मेन मोटो यही होता है कि इनको हमें सेव करके रखना चाहिए, इनको घर पे नहीं रखना चाहिए, इनको इकोसिस्टम में ही रखना चाहिए. थैंक यू.